नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत कर करके थक जाता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत परिश्रम करके अपने व्यापार को स्टैंड करता है, बहुत योग्यताएं होने के बाद ना तो व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फल मिल पाता, ना व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का मौका मिल पाता। और व्यक्ति जितनी शिद्दत से दूसरों की सहायता करता है आगे बढ़ने में, दूसरों की, रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की मदद करता है, उसको उसकी बराबरी में कोई मान सम्मान नहीं मिल पाता। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या है, आपको लगता है कि जो योग्यताएं, जो कैपेसिटीज़ ईश्वर ने आपको दी है, उसके अनुसार आप चार कदम भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी मेहनत का 10 या 15% तक ही फल आपको मिल पाता है, ज़िंदगी आपको मौका नहीं दे रही है, तो आज इस समस्या का समाधान सटीक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ है इस समस्या का समाधान और यह रहस्य। आखिरकार जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस बात को बार बार आपके सामने लाती हैं, इस बारे में चर्चा होगी। आखिरकार आपकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता, और उसके सटीक उपचार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष का बड़ा गंभीर विषय है, और यदि आप अपने जीवन में इस समस्या का समाधान चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का फल मिले और समय से मिले, तो आज की वीडियो 10 सेकंड के लिए भी आप मिस मत करिएगा। उपाय, बहुत सटीक उपाय, इस समस्या का बहुत ही एक शानदार सा समाधान वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले मूलभूत कारण क्या है, फंडामेंटल इसके रीजन क्या है, इस पर बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वें स्थान में पड़ती है मकर राशि और 11वें स्थान में पड़ती है कुंभ राशि। 10वां स्थान कर्म का होता है, आकाश का होता है, ऊंचाई पर जाने का होता है, पिता का होता है, मान सम्मान का होता है, राजनीति का होता है। 11वां स्थान सब प्रकार की इनकम, व्यक्ति को जीवन में जो भी मिलता है उसमें एकादश भाव का उत्तरदायित्व होता है, 11वें भाव की जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने शनिदेव को कर्म फल दाता बनाया है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हमको इस बात के लिए मजबूर करता है कि तत्कालिक मेहनत, तत्कालिक योग्यताएं, तत्कालिक कर्म हमें कितना और कब उसका परिणाम देंगे। साथियों, जन्म कुंडली में शनिदेव के अति बाल्यावस्था में होने पर, अति वृद्धावस्था में होने पर, मृत अवस्था में होने पर, त्रिक भाव में होने पर, और शनिदेव के सूर्य के निकट आने से, हालांकि उनके पिता हैं वह, अस्त होने पर व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार समय पर उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता, उसकी योग्यताओं के अनुसार बहुत दुख होता है। व्यक्ति को उसकी योग्यताओं के अनुसार जीवन जीने को ना मिले, बड़ा मानसिक कष्ट होता है। इसमें भी आपका दशम और एकादश भाव जिम्मेदार है। पंचम भाव की भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले जो विषय सामने है, शनिदेव के कमजोर होने पर यह दोष बनता है। साथियों, पंचम भाव का जो एक संबंध है वह हमारे जीवन में मित्र, पुत्र, रोमांटिक लाइफ, पूर्व जन्म के कर्मों से है। पूर्व जन्म के कर्म, पूर्वकृत कर्म, क्रियमाण कर्म और संकल्पित कर्म, यह तीनों मिलकर व्यक्ति का भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे तत्कालिक कर्म बहुत बढ़िया हैं, वर्तमान कर्म में कोई कमी नहीं है, संकल्पित कर्म अच्छे हैं, संकल्प हमारे अच्छे हैं, भविष्य की योजनाएं जानदार हैं, लेकिन पूर्वकृत कर्म अगर दोषित हैं तो आपकी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी।
जन्म कुंडली में पांचवें घर के स्वामी का अध्ययन कीजिए। पंचम भाव पर पाप दृष्टि होने पर, पंचम भाव में पाप ग्रहों की युति होने पर, पंचमेश के अति बाल्य अतिवृद्ध मृत और अस्त अवस्थाओं में होने पर भी व्यक्ति को जितनी शिद्दत से आप लोगों के लिए समय खर्च करते हैं, अपनी भावनाएं खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके अनुसार आपको कोई मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। आप सुबह से लेकर शाम तक भागदौड़ करते हैं, कर्जा उठाते हैं, जिल्लत झेलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो भी आप कई साल लगाने के बाद ना आपके पास मकान है, ना गाड़ी है, ना अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ना अच्छा व्यापार है। तो जन्म कुंडली में पहला पॉइंट था शनिदेव की स्थिति, दूसरा पंचम भाव, और तीसरा आपके लगन के अनुसार दशम भाव पर यदि पापक ग्रहों की दृष्टि है, पाप युति है, दशम भाव का स्वामी त्रिक स्थान में है, दशम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो भी आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त नहीं होगा। अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्री दिखा करके उसमें सबसे पहले आप शनि देव की स्थितियों का अध्ययन करें, क्योंकि शनि देव कर्म फल दाता हैं और जन्म कुंडली में शनि देव के दूषित होने का सीधा मतलब है कि आपको बहुत देर से आपके कर्मों का फल मिलेगा। सुबह होती है, शाम होती है, कुछ यूं ही जिंदगी तमाम होती है, व्यक्ति के जीवन का एक एक दिन निकल जाता है। और अगर समय के निकल जाने के बाद आपको धन की प्राप्ति हुई, आपको संपत्ति की प्राप्ति हुई, आपको वैभव की प्राप्ति हुई, तो वह किसी मतलब का नहीं है। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। हमारे धर्मशास्त्रों में समय की बहुत कीमत है। रामायण में कुंभकर्ण रावण को समझाते हुए कहते हैं कि उचित समय पर उचित काम करना चाहिए। आपने सीता का हरण करके उचित समय पर उचित काम नहीं किया। प्रातःकाल धर्म का, दोपहर में अर्थ का और रात्रि में काम सेवन का विधान है, इसमें भी धर्म उत्तम है। तो अगर समय के बीत जाने पर आपको आपके कर्मों का परिणाम मिला, आपका व्यापार बढ़ा, तो वह किसी काम का नहीं है। व्यक्ति ना इधर का रहता, ना उधर का रहता। तो साथियों, अब उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव के सर्वप्रथम उपाय कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः। यह शनिदेव का तांत्रिक और बीज मंत्र महाप्रभावशाली है। शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक यह मंत्र जाप करने से शनिदेव संबंधित समस्याओं में जबरदस्त सुधार होता देखा गया है। विशेष रूप से शनिदेव के बाल्य और वृद्ध अवस्था में होने पर या मृत अवस्था में होने पर यह मंत्र करना चाहिए। जन्म कुंडली में शनि राहु केतु की स्थिति मजबूत करने के लिए मैं हमेशा ही भैरव जी की उपासना और भैरव जी के बीज मंत्र का जिक्र किया करता हूं, बम बटुकाय नमः। और आपको एक आज गुप्त साधना बताता हूं, गुप्त रहस्य बताता हूं, जिसके बाद में आपके कर्मों का फल आपको तत्काल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यक्ति इस बात से परेशान है कि हम मेहनत कर करके थक गए, जो स्टैंड हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वह लोग इस उपाय को करें। अमावस्या की रात्रि में महाकाली के गिरि सिद्धपीठ में जाकर के रात्रि में महाकाली के बीज मंत्र का या ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते यह मंत्र का या महाकाली के किसी भी प्रमाणिक शास्त्रोक्त मंत्र का 4 से 5 घंटे जाप करें, रात्रि में जाप करें, और संध्या वेला होने पर स्नान आदि करके अपनी पूजा पाठ करके कुत्तों को बहुत सारा भोजन कराएं, खिचड़ी, ब्रेड, बिस्किट, पनीर, पकोड़े, जो बन पड़े पराठे वो खिलाएं। निश्चित रूप से 2 या 3 बार यह उपाय करने से आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। मान सम्मान आपको नहीं मिलता, न परिवार में न परिवार से बाहर। लोग आपके यूज एंड थ्रो वाली नीति है, लोग आपको प्रयोग करके खदेड़ देते हैं, लोग आपके योग्यताओं का, आपके पैसे का लाभ उठा करके आपको उल्लू बना करके समय आने पर बेवकूफ़ बता देते हैं। तो दशम भाव का अध्ययन कीजिए। जन्म कुंडली में दशम भाव में पापक ग्रहों की युति होने पर, दशम भाव पर पाप दृष्टि होने पर जीवन में यह दोष बनता है। दशमेश का रतन धारण कीजिए।
और यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ज्योतिषी की सलाह से नीलम रत्न बन पड़ता है तो नीलम रत्न के अंदर यह गुण होता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का तत्काल फल देने की क्षमता नीलम रत्न के अंदर होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि एवं लग्न वाले जातक नीलम रत्न धारण करके लाभ उठा सकते हैं। बाकी राशि एवं लग्न वाले जातकों के लिए यह शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है कि आप नीलम पहने कि ना पहने। दान करके, मंत्र जाप करके, तीर्थ सेवन करके, रत्न पहन करके अपने जीवन में ग्रहों की स्थितियों को मजबूत करना चाहिए। साथियों, मैंने बहुत कम टाइम में, लंबी वीडियो बनाने का मुझे शौक़ नहीं है, एक बात को फैला फैला कर बताने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं हमेशा शॉर्ट में बात करता हूँ। तो जो आपको उपाय बताए उपाय कीजिए, समस्या का कारण आप ढूंढिए, तीन कारण मैंने बताए। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी।